नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की नई स्कीम, नए आईडिए और नई योजना के बारे में, जिसका नाम है मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम। तो इस मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम के तहत राहुल गांधी का कहना है कि अगर वे जीतते हैं, पीएम बनते हैं, उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो वे 5 करोड़ परिवार वालों को 72,000 रुपये सालाना देंगे फ्री में, फोकट में। और इस 72,000 रुपये सालाना देने के लिए वे जो है 6,000 या 12,000 रुपये महीना देंगे गरीब परिवारों को, 5 करोड़ गरीब परिवारों को और 25 करोड़ लगभग लोगों को। ऐसा करने के लिए अब मैं आपको बता दूं कि 3,60,000 करोड़ का बजट बनेगा। तो ये 3,60,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो पता नहीं, लेकिन 3,60,000 करोड़ रुपए में पाकिस्तान जैसे 2-3 देश चल जाते हैं, इससे भी कम का उनका पूरा देश का बजट है। तो दोस्तों, लेकिन इस पैसे के लिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना चुका है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। तो अब बारी आती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। पहले तो ऐसा होगा नहीं, यह राहुल गांधी ने झूठे वादे किए हैं, यह राहुल गांधी का एक जुमला है और राहुल गांधी ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और गरीब लोगों के वोट पाने के लिए यह फेक जो है वादा किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ना मुमकिन है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत वेनेजुएला बन जाएगा। वेनेजुएला बनाना चाहते हैं राहुल गांधी भारत को, हालांकि वो ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। तो वेनेजुएला कैसे, आप वेनेजुएला का आपने नाम सुना होगा। वेनेजुएला एक बहुत ही ज़्यादा सक्षम और संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वेनेजुएला में भुखमरी के हालात हैं। वेनेजुएला में लोग खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं और दुकानों में, मॉल्स में जो है लूटपाट मची हुई है। आपके और मेरे जैसे आम घरों के लोग निकल निकल के दुकानों में और मॉलों में लूटपाट मचा रहे हैं, खाने की पीने की चीज़ें लूट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक दूध वगैरह लूट रहे हैं। रही बात दूध की, दूध की कीमत इस वक्त वेनेजुएला में 80,000 से 90,000 वेनेजुएला की करेंसी है। 80,000 और 90,000 बोलिवियन का 1 लीटर दूध आ रहा है और वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा महंगाई है कि एक थाली की कीमत 1,00,000 रुपये, एक खाना थाली की कीमत वहाँ पे 1,00,000 रुपये पहुँच गई है। कारण क्या है, ऐसा क्यों कि लोग 1,00,000 का दूध पिएंगे और एक और कई 1,00,000 रुपये का खाने की थाली खाएंगे, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर एक पिन भी नहीं बनती है। वह देश रही सक्षम संपन्न देश हुआ करता था, उस देश में जो है तेल के बहुत सारे प्रचुर भंडार थे, इतने ज़्यादा भंडार थे कि सऊदी अरब भी फेल था। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद तेल की कीमतें बढ़ी, तेल की डिमांड बढ़ी, वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा तेल था, उसने तेल बेचना चालू किया और उसे तेल के बदले बहुत सारा पैसा मिला और तेल के बदले उसे हर देशों से खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, यहाँ तक कि मूली, गाजर, भट्टा, तंदूरी, टमाटर और लौकी भी विदेशों से आती थी और फल भी यूरोप से आया करते थे। और वेनेजुएला ने वह अपने देश की जनता को बांटना चालू किया। वेनेजुएला में हर चीज़ के लिए सुविधाएं थी। वेनेजुएला में जो है लोगों को मुफ्त का अनाज बांटा गया, मुफ्त के फल सब्जी बांटी गई, यहाँ तक कि इलाज, स्कूल, सब कुछ वहाँ पे सरकारी योजनाओं के तहत किया जाने लगा और लोगों ने वहाँ पे काम करना ही छोड़ दिया। लोगों ने वहाँ पे स्टार्टअप खोलना तो बहुत दूर की बात हो गई, वहाँ पे लोगों ने दुकानें तक नहीं खोली, यहाँ तक कि किसानी तक नहीं की, वहाँ पे लोग किसानी तक नहीं करते हैं, वहाँ पे एक मूली गाजर तक नहीं उगता है, एक टमाटर भी नहीं उगता है, क्योंकि वहाँ पे सारा के सारा खाने का सामान, पीने का सामान इंपोर्ट होता है, दूसरे देशों से आता है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा आ रहा था तेल बेच के कि सरकार ने लोगों को जो है लाचार बना दिया, निकम्मा बना दिया, लोगों को मुफ्त का इलाज दे दे के, मुफ्त का खाना पानी और हर चीज़ दे के, स्कूलिंग, शिक्षा, दंड फन सब कुछ दे के उनको लाचार बना दिया। वहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे एक सुई नहीं बनती, वहाँ पे एक किसानी नहीं होती। आज जब पेट्रोल के दाम गिर गए और दूसरे देशों से पेट्रोल खरीदना चालू कर दिया, वेनेजुएला का पेट्रोल बिक नहीं रहा और वेनेजुएला की जो सरकारी तेल कंपनी थी उसमें भी वेनेजुएला ने हर घर से एक बंदे को सरकारी नौकरी दे दी, काम कुछ होता नहीं था, फोकट की सैलरी मिलती थी, घर चलता था, ऐश करते थे। लेकिन अब जब वह कंपनी जो है ख़त्म होने की कगार पे आ गई, घाटे में चली गई, तो लोगों की नौकरियां चली गई तो सैलरी मिलना भी बंद हो गई, लोग सड़क पे आ गए। लोगों के पास घर तो है, पक्के मकान है, टाइल्स वाले विद फर्नीचर, लेकिन खाने को नहीं है, दूध नहीं है, पीने को नहीं है, यहाँ तक कि 23 राज्यों में से 16 राज्यों में आज बिजली नहीं है, 60% इंटरनेट कट हो चुका है देश का और 15 से 16 राज्यों में तो बिजली ही नहीं है 23 राज्यों में से।
काराकस जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वह इस टाइम वर्ल्ड की सबसे डेंजर जगह बन चुकी है, क्योंकि अगर आप वहां गए तो लूट लिए जाओगे, क्योंकि वहां पे एक रुपए की कीमत 3,607 रुपए है। 74 रुपए का एक डॉलर है, लेकिन एक रुपए की कीमत 3,607 बोलिवियन है, वेनेजुएला की करेंसी। मतलब अगर आप 1,000 रुपए लेके वेनेजुएला जाओगे ना, तो आपसे ज़्यादा रईस आदमी कोई नहीं है वहाँ पे। मैं तो 5,000 रुपए लेके जाने वाला हूँ छुट्टी मनाने, भाई लूट लिया जाऊँगा, पैसे लूट लेंगे, खाने पीने का सामान लूट लेंगे, वहाँ पे लुटाई चल रही है। एक टाइम वहाँ पे पुलिस ने इतने सारे क्रिमिनल्स पकड़ लिए थे कि जेलों पे जगह नहीं थी, तो उन्हें सड़क पे बांध के रखना पड़ा, सड़क पूरी भर गई क्रिमिनल्स से। और वो क्रिमिनल्स नहीं थे, उनमें मेरे और जैसे आम लोग थे, महिलाएं थी, लड़कियां थी, बच्चियां थी, जिनको खाने का सामान चाहिए था, जो मॉल और दुकानों में लूटपाट कर रहे थे, खाने की चीज़ें लूट रहे थे। जब दूध 90,000 बोलिवियन का है, खाना कई लाख की एक थाली है, तो सोच सकते हो खाने के लिए आदमी क्या ना करेगा। जबकि अगर वहाँ पर भारत से ही 1,000 किसान भेज दिए जाएं, तो वे वहाँ पे इतनी किसानी कर देंगे कि पूरा देश बैठ के खाएगा। मैं आपको बता दूं, जो वेनेजुएला की ज़मीन है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा छोटी और बड़ी नदियाँ हैं, और वहाँ पे कई हज़ार किलोमीटर का समुद्री तट भी है, वहाँ मछलियाँ भरपूर होती हैं। वे मछलियाँ बेचकर भी, मछली पालन करके भी अपना देश चला सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन लोगों ने मछली पालन भी नहीं किया, क्योंकि मछलियाँ उन्हें फोकट में आती थी जहाज़ भर भर के, अब आना बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अब बंद हो गया है। एक्सपोर्ट तो कुछ होता नहीं है, इम्पोर्ट ही होता था। तो अब ना वहाँ पे खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, और यहाँ तक कि किसानी भी बिल्कुल नहीं है। अगर वहाँ पर आप कद्दू के बीज भी डाल दोगे ना लोगों के घरों के आंगनों में, तो इतना कद्दू होगा कि पूरा देश बैठ के खाएगा, जब भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ की ज़मीन इतनी ज़्यादा उपजाऊ है कि वहाँ पे कद्दू के बीजों से इतने कद्दू उग जाएंगे कि आप सब बैठ के खाओगे। लेकिन वहाँ के लोगों ने काम करना सीखा ही नहीं, क्योंकि वहाँ के नेता ने, वहाँ की पार्टी ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने लोगों को लाचार बना दिया, निकम्मा बना दिया, फ्री का पैसा देके, फ्री का खाना देके, फ्री की सुविधाएं देके, फ्री का इलाज देके, बच्चों की फ्री की स्कूलिंग देके, और बेरोजगारों को फ्री का भत्ता देके। तो इस फ्री के भत्ते खा खा के, फ्री की चीज़ें खा खा के लोग लाचार हो गए। आज जब सरकार के पास देने को कुछ नहीं है, तो लोग लूटपाट कर रहे हैं, भुखमरी मची हुई है, और देश में जो है ब्लैक आउट लग गया है। ब्लैक आउट, देश जो है वो कंगाली की हालत में है, लोग जो हैं वो एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हैं एक ब्रेड के लिए। आपको पता है वेनेजुएला में एक ब्रेड के लिए लड़कियां अपने आप को बेच रही हैं, एक ब्रेड के टुकड़े के लिए वहां पे हत्या हो जाती है, लड़कियां अपने आप को बेच देती हैं। मतलब अगर आप वेनेजुएला जाओ, तो जो ठरकी लोग हैं वो एक ब्रेड के टुकड़े देकर क्या क्या कर सकते हैं, आप सोच लो। तो क्या आप चाहते हो यही हालत आपकी देश की हो जाए? अगर राहुल गांधी गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने लगा, तो वही होगा इंडिया में जो वेनेजुएला में हो रहा है। और वैसे भी 72,000 रुपये देने की औकात नहीं है किसी की, क्योंकि आप 3,60,000 करोड़ हर साल कहाँ से लाओगे? ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है गरीबों के वोट पाने के लिए। हो सकता है ऐसा जो है झूठा वादा करने से 10-20 सीट आ भी जाएं, लेकिन इसमें देश का नुकसान है, ना ही गरीबों को कुछ मिलेगा, ना ही पैसा मिलेगा, ऊपर सीटें जो जाएंगी वो अलग। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, उद्योगों की, युवा को उद्यमी जो है बनाने की, ताकि लोग खुद कमा के खा लें, कल को प्रधानमंत्री रहे ना रहे, पार्टी रही ना रही, लेकिन आदमी खुद तो कमा के खाता रहे, आदमी खुद का सामान तो एक्सपोर्ट करता रहेगा। सोच के देखिए, अगर आज वेनेजुएला में किसान खुद का अनाज उगा रहे होते, भले ही देश कंगाल हो गया, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन किसान अपना अनाज तो खा लेता, वो अपना अनाज थोड़े से महंगे दाम में बेच के अपने देश का पेट तो भर देता। दूध जो है वो 80,000 बोलिवियन का और खाना 10,00,000 बोलिवियन की एक थाली तो नहीं बिकता, थोड़ा सा महंगा बिकता। 5 रुपए की चीज जो है वो 10 रुपए की बिकती, 80,000 की तो नहीं बिकती। आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी ने कैसा वादा किया है और क्या करने जा रहा है। बस वेनेजुएला से कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइम वेनेजुएला क्राइसिस चल रहा है, वेनेजुएला के हालात बहुत ख़राब हैं, और ये इसी कारण हुआ है जो बयान अभी राहुल गांधी ने दिया है, वो उनके नेता सालों से वहां कर रहे थे। आज देश की स्थिति आप देख लीजिए क्या है।
तो यही होगा दोस्तों। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसे किसी झूठे वादे में ना आएं, ऐसे किसी फर्जी लालच में ना आएं, अपनी अकल लगाएं और आपका वोट बहुत कीमती है, अच्छे से दें, सोच समझ के दें, आवेश में आके लालच में आके ना दें, सोच समझ के दें। किसे देना है वो आप पे निर्भर है, मैं आपको ना बोलूँगा ना बोल सकता हूँ कि किसे दें और किसे ना दें, ये आप पे निर्भर है। बस वेनेजुएला का बताना ठीक था, वेनेजुएला से कंपैरिजन करना ठीक था जो कि मैंने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।